इस क्वेश्चन में एक सीक्वेंस दिया हुआ है, आपको एक्स का वैल्यू पता करना है, और आपको चार ऑप्शन दिया गया है। उन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना है। ये है मेथड वन। इसमें क्या करते हैं, यहाँ देखिए, इसको ऐसे पहचान रहे हैं, 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, ये 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर मतलब 4, 2 क्यूब हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12। इसी तरह 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है, 3 स्क्वायर 9 प्लस 27, 36, और ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 4 क्यूब, 16 प्लस 64, तो ये हो जाएगा 80। 80 ठीक उसी तरह ये 5 स्क्वायर प्लस 5 क्यूब, ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 6 क्यूब, 6 स्क्वायर 36, और ये हो जाएगा 36 × 3, सॉरी 6। तो ये हो जाएगा 6 प्लस 6 12, ये हो जाएगा 252। इसका आंसर हो जाएगा 252। ये मेथड 1 है। मेथड 2 कहता है कि इसको आप इस तरह से कीजिए कि 2 प्लस 10 12 होता है, और 12 प्लस 24 36 होता है, 36 प्लस 44 80 हो जाएगा, और 80 प्लस 70 आपको हो जाएगा 150। ओके, फिर देखिए 10 प्लस 14 आपको हो जाएगा 24, 24 प्लस 20 आपको हो जाएगा 44, 44 प्लस 26 आपको हो जाएगा 70, और 14 प्लस 6 आपको हो जाएगा 20, 20 प्लस 6 26। देखिए यहाँ पर सीक्वेंस 6 6 कॉमन आ गया ना, तो 26 प्लस 6 आपको हो जाएगा, 26 प्लस 6 आपको क्या हो जाएगा, 32, और 70 प्लस 32 क्या हो जाएगा आपको, 102, और 150 प्लस 102 क्या हो जाएगा आपको, x यानी 252, ये हो जाएगा 252। ये मेथड 2 था। इसमें यही था कि आपको 6 6 कॉमन आ गया, फिर आपको ये निकलना है, फिर इससे आपको यहाँ तक पहुँचना है, फिर आपको यहाँ तक, और फिर आपको यहाँ तक का सफर तय करना है। ये ठीक है, लेकिन जनरली इस मेथड को प्रेफर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो ये समझ आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1 क्यूब, 2 स्क्वायर 2 क्यूब, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन। ओके, दैट्स इट।